अगेन क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर थ्री ले लिया है, ये दिया हुआ है, इसके हमें रैंक मालूम करनी है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने के लिए सबसे इस मैट्रिक्स की इकलॉन फॉर्म मालूम की जाएगी और इसके नंबर ऑफ नॉन रोज, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उनको हम रैंक के अंदर गिन के बोल देंगे ये इसका रैंक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन लिखने के बाद जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको लिख लें, सही है ना बेटा। तो सबसे पहले 0 -1 -2 1 -3 -2 -3 4 -6 -1 0 and 5 4 3 3 and -9 सही जी बेटा। फिर उसके बाद ये -9 है 7, एक मिनट रुके, मुझे बस एक मिनट रुक जाए देख लेते हैं ताकि गलती से गलती हो जाती है ना, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ हमें पूरे क्वेश्चन को फिर कर देती है और यही चीज़ छोटी सी गलती पूरे सर के कैरियर के ऊपर सवाल उठा देती है कि सर आपको सही नहीं आता जी, -9 नहीं है, ठीक है -9 है, सही -9 है ये। अच्छा और उसके बाद ज़रा चलें आगे, ज़रा देखें यह क्या है, 9 है, ये 1 है, ये -7 है और ये -7 है, ठीक है। अब ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, सही है बेटा। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, रैंक मालूम करना है। तो भाई रैंक मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, फाइंड इकलॉन फॉर्म, ठीक है ना, इकलॉन। अब कैसा नाम है, इकलॉन, कोई अकेला था इस ऐसा लगता है इकलॉन फॉर्म, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, भाई इकलॉन फॉर्म है, ठीक है। तो इकलॉन फॉर्म आपको पता है क्या होती है कि भाई सबसे पहला एलिमेंट 1 होगा, उसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 आएंगे, इसी तरीके से यहाँ पे 1 होगा, उसके तमाम एलिमेंट 0 आएंगे, सही है। इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो चलें जी बनाते हैं, किसके ऊपर बनानी है, इसके ऊपर बनानी है। तो चलें जी आए बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ये मैट्रिक्स 0 -1 -2 1 फिर -3 -2 -3 4 फिर इसके बाद -6 -1 0 and 5 4 3 3 -9 9 1 -7 and -7 ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई सबसे पहले ऊपर 1 चाहिए, तो 1 ज़रा देखते हैं हम कैसे लेंगे। अगर मैं यहाँ पर अपना दिमाग लगाऊं और इंटरचेंज कर दूं, ठीक है ना, इंटरचेंज रो रो 4 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 रो 4 को इंटरचेंज रो 4 बाय रो 1 कर दूं, सही है ना, रो 4 को रो 1 से चेंज कर दूं तो ऑटोमेटिक यहां पे 1 आ जाएगा, कोई मुझे दिमाग लगाने की यानी कि कोई मल्टीप्लिकेशन या कुछ एक वो क्या बोलते हैं रो ऑपरेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रो इंटरचेंज करना है, सही है ना। तो चल जाए कर देते हैं। तो ज़रा देखिएगा ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि 1 4 5 -9 and -7 ठीक है जी बेटा। फिर ज़रा देखते हैं यहाँ पे आगे क्या करना है, फिर इसके बाद में जो 0 है वो इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि मैंने इंटरचेंज किए, ठीक है ना, और ये -3 और ये -6 ये 4 and 9 सही है जी। और इसके अलावा नीचे की ये जो 2 हैं ये ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हमने इंटरचेंज किया था रो 1 और रो 4 को, सही है ना, सिंपल। तो ये 3 3 ये 1 -7 अच्छा जी बेटा ये हो गई कहानी। अब मुझे पता है इसके नीचे मुझे क्या करना है, जीरोस, इस पूरी रो के नीचे 0 0 बनाने हैं। तो चले जाए 0 बनाते हैं, कैसे बनेंगे 0, तो इसको मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट का साइन आएगा, इक्वल का नहीं आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, कैसे कंटिन्यू करूँ, 4 रो है ना, तो टोटल ये 4 जाएंगी मुझे, तो इसको यहाँ से करता हूँ, ठीक है ना, खुला खुला काम रहेगा, ये और ये बेहतरीन। तो बेटा सबसे पहले जो चीज़ आपको देखने की है वो क्या देखने की है कि जो रो 1 है इधर मुझे 0 बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ मतलब रो 2 है, रो 2 के नीचे जो है उसको 0 बनाता हूँ। रो 2 पे मैं ऐसा क्या करूँ, रो 2 को बेसिकली क्या कर दूँ, रो 2 को प्लस कर दूंगा रो 1, रो 2 के अंदर रो 1 जमा करूँगा तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, 1 है ये माइनस का है, उसके अंदर प्लस 1 करूँगा तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होगी, 0 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस 1 के नीचे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो सिंपल मुझे क्या करना है, रो 2 और रो 1 को जमा करना है। तो चलें जी करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 ये 4 ये 5 ये -9 और ये -7 है, वैसे कैसी रहेगा। तो 1 को इसके -1 को इसके अंदर जमा किया तो ये 0, फिर 2 को इसके अंदर -2 और +4 करा तो ये प्लस का 2, ये -4 5 जमा किया -1 और प्लस, ठीक है ना, क्योंकि ये रो 2 है, रो 2 के अंदर जमा करना रो 1, तो -1 जमा -5 किया तो ये प्लस का 4, 3 जमा -9 क्योंकि आपको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, और ये 1 माइनस किया 1 -7 किया तो ये माइनस का 6 बच जाएगा, सही है जी बेटा, सिंपल। तो चलें जी, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास यहाँ पे तो 0 आ गया। अब इसी तरीके से मुझे इधर भी 0 चाहिए, सही है, -2 के अंदर भी 0 चाहिए, यानी कि जो थर्ड रो है इसके नीचे 0 चाहिए। तो थर्ड रो को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा,
थर्ड रो के अंदर जीरो बनाने के लिए माइनस टू, क्योंकि ये माइनस का है तो मुझे प्लस टू करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस टू और मल्टीप्लाई बाय रो वन, सही है, रो वन आपको पता है वन है तो वन मल्टीप्लाई करूंगा टू से टू आएगा, और यहाँ पे ये माइनस का टू होगा रो थ्री के अंदर, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट करके इसको जीरो कर देंगे, सही है जी बेटा। तो जरा देखें इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए अपना काम करते हैं यहाँ पर, तो इसको तो मैं आंखें बंद करके जीरो कर देता हूँ, मेन जो सोल्यूशन है वो मुझे आगे करना है, ठीक है ना। तो जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ पे रफ वर्क जो है इधर शो करूँ या कोई और पेज ले लूँ, आप बताएं जल्दी से डिसाइड करें, नया पेज ले लूँ ना, नया पेज ले लेना ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना बेटा। तो चलें ये नया पेज ले लिया है, इसको मैं फोल्ड करके रख देता हूँ, क्योंकि रफ वर्क ही दिखाना है, तो रफ वर्क मेरे ख्याल से कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, टेढ़े मेढ़े पेज पे समझ आ जाएगा, गंदे मैले कुचैले में, क्योंकि पीछे वो तो फ्रंट आ रहा है ना, अक्सर बच्चे बोल देंगे सर क्या कर रहे हैं, चलें छोड़ें। अच्छा तो भाई रफ वर्क करके दिखाना है ना भाई, रफ वर्क इसको साइड में क्यों रख दिया, इसको रखें यहाँ पर। तो भाई ज़रा देखें रो थ्री है, रो थ्री मेरे पास ये रही, रो थ्री में मुझे पता है ये करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, इसको जीरो कर दिया मुझे यहाँ पे है, तो रो थ्री का मुझे सबसे पहले माइनस थ्री लिखना है, माइनस थ्री के बाद प्लस टू करना है, और रो वन है तो रो वन ऊपर क्या है फोर है, तो उसको ज़रा सॉल्व करते हैं, माइनस थ्री टू फोर ज़ा एट, ठीक है जी, और ये किया तो ये माइनस प्लस का फाइव आ जाएगा, यहाँ पे आप आंखें बंद करके फाइव लिख दें। फिर इसके बाद में यही कहानी जीरो करनी है, तो भाई आपको आर थ्री क्या दिया हुआ है, आर थ्री यहाँ पे आपके पास जीरो है, सही है, और प्लस टू मल्टीप्लाई बाय रो वन, तो रो वन आपको क्या दिया है फाइव दिया हुआ है, तो ज़रा देखेंगे क्या होगा, जीरो प्लस फाइव टू ज़ा टेन, जीरो को जमा के टेन में तो ये टेन ही आ जाएगा, तो आपने लिख देना टेन। फिर इसके बाद आगे चलते हैं रो थ्री पे, मतलब रो थ्री के ऊपर आगे जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई बाय रो वन, तो रो वन यहाँ पे माइनस नाइन है, तो ज़रा देखिए थ्री टू नाइन ज़ा एटीन प्लस माइनस माइनस का, तो एटीन उसके अंदर किया तो ये माइनस फिफ्टीन आ जाएगा, तो ये माइनस फिफ्टीन आपने लिख दिया। फिर आ जाए यहाँ पर माइनस सेवन, तो माइनस सेवन के अंदर अब माइनस सेवन है रो थ्री की जगह, तो ये माइनस सेवन आ गया, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय रो वन, तो रो वन यहाँ पे आपके पास माइनस सेवन है, सही है जी। तो ज़रा देखिए माइनस सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, माइनस का फोर्टीन, और माइनस माइनस से प्लस होके माइनस ट्वेंटी वन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने माइनस ट्वेंटी वन कर दिया। फिर उसके बाद ज़रा देखें ये पूरी स्टेटमेंट हो गई, और उसके बाद नीचे ज़रा देखें यहाँ पे जीरो ऑलरेडी बना हुआ है, माइनस थ्री माइनस सिक्स फोर, और ये आपके पास आ गया नाइन, सही है जी। तो अब इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नीचे ऑलरेडी ही फॉर्म में बना हुआ है, तो भाई सबसे पहले इकलौन फॉर्म की क्या कंडीशन थी कि ये वन है, इसके नीचे तमाम एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे, तो वो जीरो बने हुए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेहतरीन। अब आगे क्या करना है, अब आपको पता है कि अब यहाँ पे इसको वन बनाना है, और इस वन के नीचे तमाम एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे, सही है। तो सबसे पहले इसको वन बनाते हैं, तो जो काम करना है मुझे रो टू पे करना है, तो रो टू को मैं क्या करूँगा, सिंपल टू से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे वन आ जाएगा। तो चलिए जी आइए करते हैं, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, वन फोर फाइव माइनस नाइन एंड माइनस सेवन, ठीक है बेटा। उसके अलावा टू डिवाइड करना है रो टू से, तो रो टू मेरे पास ये रही, जीरो डिवाइड करेंगे टू से जीरो आ जाएगा, टू डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा, टू डिवाइड करेंगे फोर से तो यहाँ पे टू आ जाएगा, सिक्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस थ्री आ जाएगा। उसके अलावा नीचे की सारी जो चीज़ें हैं वो यूं की यूं रहेंगी, क्योंकि उसको हमने छेड़ा भी नहीं है, ठीक है ना भाई, सिंपल। तो माइनस ट्वेंटी वन और ये नाइन, ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। अब हमें यहाँ पे बनाना है जीरो, सही ना, तो ज़ीरो बनाना है, तो ज़ीरो बनाने के लिए ज़रा देखें हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट। ओहो कुछ गिरा तो नहीं यहाँ पर, नहीं गिरा। अच्छा तो सबसे पहले ज़रा देखें रो रो थ्री के ऊपर हम काम करेंगे, कैसे करेंगे ज़रा देखें, रो थ्री पे मुझे यहाँ पे चाहिए ज़ीरो, सही है, तो रो थ्री से मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा फाइव मल्टीप्लाई बाय रो टू से, सही है ना। तो सिंपल आप ज़रा देखेंगे प्लस का है, माइनस फाइव करेंगे रो टू, रो टू ये रही इसके अंदर वन है तो फाइव ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, हमें आगे से काम नहीं है, हमें इसके नीचे वाले से काम है, सही है। तो चले जाए करते हैं, तो इसको फॉलो करेंगे यहाँ पर, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, सही है जी। चले जी, तो अभी जहाज़ आने वाला है, जहाज़ की आवाज़ आएगी वो सुन लें और इसका सोलूशन भी देख लें। तो ये वन है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, अच्छा तो फोर शायद मेरे ख्याल से दूर से चला गया, हल्की सी आवाज़ आई हो आप लोगों को, चलें छोड़ें। तो भाई फोर फाइव माइनस नाइन एंड माइनस सेवन है, उसके अलावा ये वन है, ये टू है, ये माइनस थ्री है, और ये माइनस थ्री है। अब ज़रा देखें रो थ्री पे हमने काम करना है, ठीक है, तो रो थ्री का सबसे पहले रफ वर्क किधर करेंगे उसका अब ज़रा देखते हैं क्या है। तो भाई रो थ्री मेरे पास ये रही, अब रो थ्री जो है ये है हमारे पास, तो रो थ्री पे मुझे क्या करना है, रो थ्री ये रही आपको पता है ज़ीरो दिया हुआ है रो थ्री पे, सबसे पहले ज़ीरो माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय रो टू, तो रो टू आपके पास ये इधर ज़ीरो ही आएगा, तो ज़ीरो ज़ीरो ये ज़ीरो, तो यहाँ पे तो ज़ीरो आएगा इसलिए मैंने जल्दी लिख दिया था ज़ीरो। अच्छा अब आते हैं रो थ्री पे काम कर रहे हैं, तो रो थ्री ये रही मेरे पास, यहाँ पे फाइव लिखा हुआ है,
ठीक है, माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय रो टू, तो रो टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे वन लिखा है, तो ज़रा देखें ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट होकर जीरो, तो यहाँ पे आ गया जीरो। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए रो थ्री है, रो थ्री में हमारे पास यहाँ पे टेन दिया हुआ है माइनस फाइव, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय रो आर टू, तो रो आर टू में हमारे पास यहाँ पे टू है, सही है जी बेटा, तो देखें टेन फाइव टू ज़ा टेन, ठीक है ना, ये फाइव टू ज़ा टेन, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट होकर जीरो, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो आ गया, क्या बात है, शाबाश। अब आगे चलते हैं इसके, तो यहाँ पे ज़रा देखिए क्योंकि अब ये है रो थ्री का है, तो ये माइनस फिफ्टीन आ जाएगा, माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय रो टू, तो रो टू पर क्या है माइनस का थ्री है, तो ज़रा इसको सोल्व करते हैं, माइनस फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस का फिफ्टीन हो जाएगा, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट होगी जीरो, तो इस फाइव फिफ्टीन की जगह जीरो आ जाएगा क्योंकि हम इस स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब आगे ज़रा देखें रो थ्री में हमें माइनस ट्वेंटी वन दिया हुआ है, ठीक है जी, माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय रो टू, तो रो टू पर क्या है माइनस थ्री, तो उसको ज़रा देखें माइनस ट्वेंटी वन माइनस माइनस प्लस का फिफ्टीन हो जाएगा, सही है जी, तो इसके अंदर के ये माइनस सिक्स आ जाएगा, कैसे आएगा माइनस सिक्स ज़रा देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा ट्वेंटी, ये माइनस का ट्वेंटी वन और प्लस फिफ्टीन किया, तो ये माइनस सिक्स आ गया, माइनस सिक्स इस तरीके से आ गया है। तो अब आगे क्या करना है ज़रा वो देखें स्टूडेंट, ये जो वन था इसके नीचे जीरो आ गया, अब ये स्टेट इस रो को भी जीरो बनाना है, तो इसको मैं अलग एक स्टेप बनाऊँ, बार बार सारी चीज़ें लिखूँ तो इसको भी मैं इसी स्टेप में कर दूंगा, कि अब मुझे क्या करना है रो फोर के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो रो फोर के ऊपर काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, रो फोर ये माइनस का है, इसके अंदर प्लस थ्री कर दूंगा और रो किससे करूँगा, रो टू से ही करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ज़रा देखिएगा कैसे जीरो आ जाएगा, सही है जी, तो ज़रा देखें ये मुझे पता है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होता है वही आ जाता है, तो इसलिए मैंने जीरो लिखा हुआ, कुछ फैक करने के नहीं दिखा रहा। अब इसको ज़रा देखिएगा क्या करना है, रो फोर है, ठीक है ना, क्योंकि रो वन रो टू रो थ्री एंड रो फोर है, तो रो फोर लिखनी है, ठीक है जी, रो फोर पे मुझे क्या करना है, रो फोर लिखनी है सबसे पहले, तो रो फोर में यहाँ पे मेरे पास माइनस थ्री है, ठीक है जी, उसको प्लस करना है थ्री से, और रो टू है, तो रो टू मेरे पास ये है, तो यहाँ पे क्या है वन है, तो ज़रा देखें ये प्लस का थ्री मतलब थ्री और ये माइनस का, तो ये हो गया जीरो, तो आपने यहाँ पे आंखें बंद करके लिख देना जीरो। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर, तो रो फोर है यहाँ पे माइनस सिक्स, सही है जी, फिर उसके बाद करना है प्लस का थ्री मल्टीप्लाई बाय रो टू, तो रो टू आपके पास ये है, तो इसको टू मल्टीप्लाई कर दें, तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या है माइनस सिक्स थ्री टू द सिक्स, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट किया, ये जीरो, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया जीरो। फिर उसके बाद चलते हैं फोर पे बात, ये ठीक है, अब फोर की कहानी है, तो फोर पे ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, फोर है तो रो फोर लिखा मैंने फोर, ठीक है जी, फिर प्लस कर दिया थ्री और रो टू, तो रो टू में हमारे पास यहाँ पे माइनस का थ्री लिखा हुआ है, तो ज़रा देखिए फोर थ्री टू थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये किया तो ये माइनस का फाइव, तो यहाँ पे आपने आंखें बंद करके माइनस का फाइव लिख देना क्योंकि इस स्टेटमेंट के थ्रू आ रहा है। अब चलते हैं इसके ऊपर, तो रो फोर है, रो फोर में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है नाइन, नाइन प्लस थ्री, सही जी बेटा, और मल्टीप्लाई करना रो टू से, तो रो टू में हमें यहाँ पे क्या है माइनस का थ्री, ये माइनस का थ्री, तो ज़रा देखिए प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आ गया जीरो, तो इसकी जो इस स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू आई वो क्या आ गई, जीरो आ गई है। अब स्टूडेंट आगे क्या करना है ज़रा वो देखें स्टूडेंट, रो इक्लोन फॉर्म बना रहे थे, आपको पता है ये वन था इसके नीचे तमाम एलिमेंट जीरो, ये वन था इसके नीचे तमाम एलिमेंट जीरो। अब हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आपको पता है कि भाई अब इसके यहाँ पे वन आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ड्यूरिंग द सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास जीरो आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो वन आना था यूजिंग इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए वो आगे चला जाएगा, सही है, तो यहाँ पे भी अब जरा देखिए ऑटोमेटिकली क्या आया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आया हुआ है, जल्दी से बताएं, जीरो आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वन आएगा अब वो आगे चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसको मुझे क्या बनाना है, वन बनाना है, ठीक है, और वन बनाने के बाद इसके नीचे जो एलिमेंट है उसको जीरो बनाएंगे, सही है ना बेटा, ये हम लोग काम कर देंगे, सही है, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ पर इस पेज के ऊपर, सही है, तो चले आए कंटिन्यू करते हैं, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहले ज़रा देखिएगा इधर, तो मुझे ये बताएं कि इस रो को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसको क्या बनाना है, वन बनाना है, तो सिंपल ये क्या है, रो थ्री है, तो भाई रो थ्री को सिंपल मैं डिवाइड कर दूंगा माइनस सिक्स से, तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे वन आ जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है बस वो करनी है, तो वन फोर फाइव, ठीक है जी, माइनस नाइन एंड माइनस सेवन, ठीक है जी, फिर इसके बाद ज़रा आ जाए इसके नीचे, यहाँ पे जीरो था, जीरो था और ये भी जीरो था, फिर इसके बाद में वन था, जीरो था और ये जीरो था, फिर इसके बाद ये जीरो था
और ये ज़ीरो था और ये टू था, इसके बाद में यहाँ पे माइनस थ्री था, यहाँ पे ज़ीरो था और यहाँ पे माइनस फाइव था, और ये ज़ीरो था और इधर यहाँ पे क्या है माइनस थ्री था और यहाँ पे माइनस सिक्स है। तो माइनस सिक्स ज़रा देखें क्या है, बेसिकली रो थ्री पे मैंने क्या किया ना, रो थ्री पे इससे माइनस सिक्स करना है। तो रो थ्री मेरे पास ये है, माइनस सिक्स डिवाइड किया आपको पता है ज़ीरो आएगा, इधर भी डिवाइड किया ज़ीरो आ गया, इधर डिवाइड किया तो इधर ज़ीरो आ गया, इधर डिवाइड किया इधर ज़ीरो आ गया। लेकिन जब माइनस सिक्स इससे डिवाइड करूँगा, माइनस सिक्स से माइनस सिक्स डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया वन आ गया, क्यों कि मुझे इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए इधर वन ही रिक्वायर्ड था। सही है बेटा, अब आगे हम लोग क्या करेंगे। अब बच्चों अब आपको पता है कि यहाँ पे वन है, अब इस वन के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होने चाहिए, तो भाई ये तो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे जीरो आ गया। सही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इक्लोन फॉर्म बना ली है। तो इक्लोन फॉर्म क्या थी कि भाई ये वन था इसके तमाम एलिमेंट जीरो आ गए, तो इसके बाद आगे यहाँ पे वन जो होता है उसके तमाम एलिमेंट जीरो आ गए, तो आगे यहाँ पे वन आना चाहिए था क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द सोल्यूशन यहाँ पे जीरो आ गया, तो इसका मतलब यहाँ का जो वन था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगेन कुदरती तौर पे जीरो था, तो इसका मतलब यहाँ का जो वन था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपने देखा कि यहाँ पे आपने वन बनाया और वन बनाने के बाद नीचे जो थे वो तमाम एलिमेंट जीरो करने थे जो खुद ही खुद था, तो इसका मतलब आगे इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ये आपने क्या कर लिया, इक्लोन फॉर्म बना ली। किसकी इक्लोन फॉर्म बना ली, इसकी बना ली है। तो भाई इक्लोन फॉर्म बनाने के बाद हम क्या देखते हैं, रैंक देखते हैं। अब जरा देखें रैंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है जरा वो देखें स्टूडेंट। तो सबसे पहले जरा देखें ये 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 और ये तमाम नॉन जीरो रोज हैं, इसके अंदर भी तमाम ऐसी कोई रो नहीं है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट आपको जीरो मिले। तो एक दो तीन चार, तो इसके अंदर नंबर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज फोर आएगा, क्यों क्योंकि टोटल जो है वो क्या है चार जो है क्या है नॉन जीरो रोज है। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर थ्री होता है कंप्लीट, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब यहाँ पे छोटी सी कन्फ्यूजन डिस्कस करनी आप लोगों के साथ, वो क्या कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री का जो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे ना वहाँ पे आ रहा है आंसर थ्री आ रहा है, तो मैंने इसका सोल्यूशन करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं समझ आया। लेकिन इन फ्यूचर शायद इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी हो या मैं इसको अपडेट करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम इतना नहीं था, मैंने जल्दी जल्दी में चेक किया लेकिन मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला कि इसका रैंक थ्री कैसे आएगा। सही है ना स्टूडेंट। हाँ अगर कोई रो ऐसी होती कि तमाम एलिमेंट उसके अंदर जीरो आ रहे होते तो फिर मैं कह देता, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, तमाम एलिमेंट रोज जो थी वो नॉन जीरो थी। तो बात बताने की है कि इन फ्यूचर अगर इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन होती है मैं इसको सही करूंगा, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सही है स्टूडेंट, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चक्कर है, शायद बुक के पीछे कोई मिस्टेक कर दी गई हो। ठीक है ना, यानी कि गलत आंसर ना लिख दिया हो। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर थ्री होता है कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।